वह निकल गया मस्जिद नबवी में तो क्या वापस आकर के होटल में भी नहीं पड़ी। सवाब है या गुनाह, इसको क्या कहेंगे? सवाब कहेंगे, इसके सिवा और कोई नाम ही नहीं है गुनाह। सबसे बड़ा गुनाह तो यहां भी यही है भाई, नमाज न पढ़ना, ये गुनाह नहीं है क्या? तो हज मबरूर तब होगा जब इस तरह ख्याल रखें कि कोई छोटे से छोटा भी नाफरमानी का काम न हो, तो वो है हज मबरूर। और हज की जितनी फजीलतें हदीस में वारिद हुई वो सिर्फ और सिर्फ उसी हाजी के लिए हैं जिसका हज हो हज मबरूर। हज मबरूर हो, कितनी बड़ी फजीलतें आई हैं। उन फजीलतों में एक फजीलत तो आप बारह सुन चुके हैं, और वो फजीलत ये है अल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ाउ इल्लल जन्नत। हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ और हो ही नहीं सकता। हज मबरूर जिसे मिला गया जन्नती, हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा इनाम तो यही हज मबरूर का, लेकिन शर्त क्या है? सिर्फ हज नहीं है, सिर्फ हज नहीं है बल्कि हज मबरूर। अल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ा इल्लल जन्ना। हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। हज मबरूर मिला तो समझ ले लो उसे जन्नत मिल गई। इसलिए बुजुर्गान दीन भी जब दुआएं मांगते हैं या किसी से अर्ज करते हैं तो यही कहते हैं कि दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे हज को हज मबरूर बना दे, हज मकबूल बना दे। आप और हम भी यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हाजी साहब के हज को हज मबरूर और हज मकबूल बना दे। सहाबा इकराम ऐसे ऐसे सवाल आप पूछा करते थे, और मेरे आका भी सहाबा इकराम से ऐसी ऐसी नेमतें और ऐसे ऐसे इनामात का जिक्र फरमाते। सहाबा इकराम ने उस चीज को हम तक पहुंचाया, ये उनका करम है। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत फरमाते हैं, और हदीस के अल्फाज में सिर्फ दो चार ही अर्ज करूंगा इब्तिदा के। मरीज इब्न अब्बास मर्दन शदीदा, हजरत इब्ने अब्बास हुजूर के चचा आजाद भाई हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह बिन अब्बास इब्ने अब्बास सख्त बीमार जब हुए, दा इब्नन अपने बेटों को बुलाया और बुला करके कहा बेटो मैंने एक हदीस मेरे आका से सुनी है और जा रहा हूं, तो मेरे पास वसीयत कुछ नहीं, मेरे आका की हदीस ले लो, हदीस ले लो। आज भी वसीयतें होती हैं लेकिन जरा इधर भी तो ध्यान, फरमाया हदीस सुन लो मेरे आका से। मैंने सुना, क्या सुना? तो इरशाद फरमाया कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन हज मिन बैतिल्लाह माशियन, जिसने अल्लाह के घर से चल करके और हज पैदल अदा किया, हज पैदल अदा किया तो उसके लिए सवाब कितना। तो आपने बरसात इरशाद फरमाते कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया फलहू बिकुल खुतवतिन, उसके लिए एक एक कदम के बदले में 700 नेकियां, 700 हसनात। एक कदम के बदले में कितनी नेकियां? 700। लेकिन नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, गौर करें, थोड़ी सी तवज्जा रखें। हज का पता चल जाए और इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का पता चल जाए कि अल्लाह ताला कैसे उनकी मेहमान नवाजी फरमा रहा है। फरमाया मन हज माशियन फलहू बिकुल खुतवतिन हसनात, यानी 700 हसनात, कुल हसनात मिन हसनातिल हरम। फरमाया ये 700 नेकियां हैं, और एक नेकी वो नहीं जो दुनिया में कहीं की जाए, एक नेकी वो है जिसे हरम में किया जाए। यानी 700 नेकियां और एक नेकी कौन सी? हरम की। अच्छा, हरम की नेकी का हाल अभी आप सुन रहे थे। हरम की नेकी का हाल यह है कि एक नेकी का सवाब लाख, अगर किसी ने एक बार कहा सुभान अल्लाह तो गोया उसने लाख मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, और अगर किसी ने एक बार कहा अल्लाह लाख, दो नफल पढ़े लाख, इन एक नेकी का बदला वहां पर कितना, ये कहीं भी इनाम नहीं मिलेगा।
जो लोग इससे वाकिफ हैं वो वहां जाके सिर्फ नेकियां ही करते हैं। क्यों? कि ये शान उस पाक घर की है और उस मुकद्दस सरजमीन की है कि वहां एक नेकी अगर कोई करे तो अल्लाह ताला उसे सवाब लाख नेकियों का अता करे, एक लाख नेकियों का। अब यहाँ पर ये साहब जो बैठे हैं, आजकल तो सबके पास इंतजाम है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा 700 नेकियां हैं। कितनी? 700। और एक नेकी 1 लाख, तो 700 को लाख से गुणा करें, 700 को लाख से करें, और जब गुणा करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां। एक कदम पर 7 करोड़, लेकिन है किसके लिए? उसके लिए है जिसने पैदल हज किया। पैदल हज किया भी आप नहीं समझे होंगे, पैदल हज किया से आप कहीं ये समझे होंगे यहाँ से पैदल चले और जा करके हज करके आए, नहीं। मेरे आका ने फरमाया पैदल हज करने से मुराद ये है कि बैतुल्लाह शरीफ मक्कतुल मुकरमा के शहर से निकला और निकल करके 8वीं तारीख को पैदल मीना आया और मीना से पैदल चल करके अरफात गया, अरफात से पैदल चल करके रात को मुज़दलिफा में रुका और मुज़दलिफा में रुक करके 10वीं को पैदल चल करके रमी जिमार की और रमी जिमार करके और फिर जा करके कुर्बानी गाह में कुर्बानी की हलक करवाया और फिर उस दिन या दूसरे दिन जा करके और तवाफ ज़ियारत मक्के पाक में किया, मक्के से फिर पैदल चला, फिर मीना आया, 2 दिन वहां रुक करके फिर रमी जिमार की, रमी जिमार करके फिर पैदल मक्के गया। ये हज है और ये हज के 5 दिन हैं और वो खुश नसीब जिन्हें वहां सिर्फ सवाब ही दरकार है, वो कारों और बसों का इंतजार नहीं करते, 8वीं तारीख को एहराम पहन करके दीवाने बन के निकल जाते हैं। कोई चीज रोक नहीं सकती, जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, पैदल जा रहे। अल्लाह अकबर, कसम रब की जो लुत्फ उन्हें आता है, बसों में बैठने वाले हाजियों का वो लुत्फ नहीं आए। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि बस गुजर जाती है, नजर कुछ नहीं आता और ये जब जाते जाते इधर उधर देखता है तो वहां पर जो वादियां नजर आएंगी, जो पहाड़ नजर आएंगे, वहां पर जो हालात नजर आएंगे, जब उन पे नजर पड़ेगी तो पहाड़ नजर से हट जाएंगे, कहीं खलीलुल्लाह नजर आएंगे, कहीं हबीबुल्लाह नजर आएंगे। ये दीवाने तो इन्हीं जलवों के दीवाने हैं, इसीलिए तो जाते हज, इसी का नाम तो है कि हज में जाएं तो किसी की याद आ जाए। ये एक अलग मजमून है, हज क्या है? मैं तो अभी सिर्फ फजीलत ही बयान कर रहा था कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी फजीलतें रखी है। देखो ये पैदल जाना पैदल आना, ये तो इसकी फजीलत है। अब दूसरे अरकान जो है उसकी अभी बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत फरमाते हैं, बड़े इख्तसार से अर्ज कर दूं, हजरत इब्ने अब्बास इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये रिवायत इब्ने उमर की है। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं मीना की मस्जिद में मुस्तफा के साथ बैठा था। फरमाते हैं मस्जिद मीना की है और मैं मीना की मस्जिद में मेरे आका के साथ बैठा हूँ, तो जाहिर बात है दो तो नहीं थे, दीवाने और भी होंगे। फरमाया दीवानों का मजमा था, बीच में मुस्तफा हैं, महफिल में मैं भी बैठा हूँ। अचानक 2 सहाबी आए, एक अंसार में था और एक कबीले बनू सकीफ में से था। ये 2 अंसारी और एक दूसरा सहाबी हैं, दोनों सहाबी और ये दोनों जनी एक सकफी हैं और एक अंसारी हैं। दोनों आकर के बारगाह रिसालत में अदब से बैठ गए और जब अदब से बैठे तो दोनों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जब घर से चले थे तो हमने दिल में ख्याल किया था कि जहां भी मुस्तफा मिलेंगे तो कुछ सवाल पूछ लेंगे। दोनों ने कहा कि हमें इस इरादे से हम आ रहे हैं कि जहां भी अल्लाह के हबीब मिले तो हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे ताकि जवाब अच्छे तरीके से मिल जाएं। आप हमें यहां मिल गए हैं, अब अगर इजाजत हो तो पूछें। कुर्बान जाऊं मेरे आका तेरी गैब दानी पर। फरमाया दीवानों, जो सवाल लेके चले थे क्या बच्चे तुम बताना चाहते हो या मैं बता दूं कि सवाल क्या थे? क्या तुम जो सवाल पूछना चाहते थे और जो तुम्हारे दिल में महफूज हैं, उन्होंने अभी अल्फाज का जामा भी नहीं पहना,
सवाल अभी दिल के अंदर है। फरमाया तुम बताओ तो तुम्हारी मर्जी, और अगर तुम चाहो तो मैं गैब दानी नहीं तो और क्या, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये तो हदीस और गैब दानी इसी को तो कहते हैं। मैंने बोला तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ईमान तो है लेकिन आप बता देंगे तो ईमान में मजीद ताकत आ जाए, करम होगा आप ही बता दें कि हम क्या सवाल लेके आ रहे। तो मेरे आका ने फरमाया तुम दोनों एक दूसरे से आपस में मशवरा करके, और पहले कौन सवाल और जवाब सुनना चाहता है, तो उस अंसारी ने कहा पहले मेरे सवालों के जवाब दे, मैं कौन से सवाल पूछना चाहता था। तो मेरे आका ने फरमाया सुन, तू वहां से चला तो दिल में ये तूने इरादा किया था कि जब अल्लाह के हबीब मिलेंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा। पहला सवाल तेरा ये था कि जब कोई हाजी अपने घर से निकला और जा रहा है हज करने के लिए तो इस निकल करके अल्लाह के घर तक पहुंचने में सवाब कितना, और दूसरा सवाल तेरा ये था कि जब वो बैतुल्लाह शरीफ के पास पहुंच करके और मक्का में इब्राहिम के पीछे दो रकात नफल नमाज पढ़ता है तो उसका सवाब कितना, और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब यही हाजी यहाँ से चल करके और पहुंचा कहाँ पर, अरफात में, और अरफात में जब उसने हुकूफ अरफा किया तो हुकूफ अरफा का सवाब कितना है, और हुकूफ अरफा से लौट करके इसने मीना में आकर के शैतान को कंकर मारे, इन कंकर मारने का सवाब कितना है, और फिर वहां से आकर के उसने कुर्बानी की, इस कुर्बानी का सवाब कितना है, और फिर उसने जो हर सर हलक करवाया इस सर मुंडाने का सवाब कितना है, और उसने फिर आकर के तवाफ ज़ियारत किया तो या रसूल अल्लाह बता दे इस तवाफ का सवाब कितना है। जो सवाल पूछना चाहते थे मेरे आका ने वो सारे सवाल बता दिए कि तू ये पूछना। उसने उस वक्त कहा था कसम अल्लाह की या रसूल अल्लाह गवाह है मैं यही पूछना चाहता था, वरना सहाबी की बात के लिए कसम से उसे मजबूत करना कोई जरूरी नहीं, सहाबी अगर बगैर कसम के भी कह दें तो सुभान अल्लाह, फरमाया अल्लाह गवाह है मैं यही पूछना चाहता था। सवाल आप शायद ज़हन से निकल गए हो, दोहराने की जरूरत नहीं है। पूछा था हाजी घर से निकला जा रहा है बैतुल्लाह के लिए सवाब कितना, तो मेरे आका ने जवाब में इरशाद फरमाया मन खरज मिन बैत ही, सवाब का क्या पूछते हो, जब कोई हाजी अपने घर से निकला हज के इरादे से खरज मिन जुनूब ही कयो मिन वलदत हो मुहु, वो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे आज ही मां ने उसे जन्म दिया, वलहु बिकुल खुदवत इबादत सबीन सना, और फिर वो जो जो कदम अल्लाह के घर की तरफ उठाएगा एक एक कदम के बदले में अल्लाह 70 साल की इबादत का सवाब देगा, है कोई जो हिसाब लगा सके। और ये मेरे आका ने फरमा दिया चाहे पैदल जाए चाहे सवारी में जाए लेकिन सवाब दोनों के लिए है, कदम कदम पर 70 साल की इबादत का सवाब है। यहाँ से गया और जा करके वापस आया, जाने में भी सवाब यही है आने में भी सवाब यही है, और फिर जब लौट करके घर में आया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अब इसकी शान ये है कि ये बख्शा बख्शाया है, रब ने इसे तो बख्श दिया, जिसके लिए ये दुआ मांगे रब उसे भी बख्श देता है। और फिर फरमाया तूने ये जो पूछा था कि मकाम इब्राहिम के पीछे नफिल पढ़ने का सवाब क्या है, तो फरमाया हजरत इस्माइल की औलाद में से किसी गुलाम को अपनी हक हलाल की कमाई से खरीद करके आजाद कर देना, जितना सवाब उसको मिलेगा उतना सवाब इसको। ये बात ऐसी नहीं कि एक जुमले से समझ में आ जाए, औलाद इस्माइल, औलाद इस्माइल में से गुलाम, और फिर पाक और हलाल कमाई से खरीदा, खरीद के आजाद किया, इसके सवाब को कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। ये तवाब की दो रकातें जो है उसका सवाब है। फिर मेरे आका ने फरमाया तूने पूछा था कि अरफात में जाके खड़े होते हैं तो सवाब क्या मिलेगा, तो मेरे आका ने फरमाया दीवाने अरफात वो मैदान है जिसको हज कहिया, हज उसी को कहा जाता है, हुकूफ अरफा हुआ तो हज हुआ, और हुकूफ अरफा नहीं हुकूफ अरफा जो है ये नबी तारीख कब है, हम जिसको कहते हैं हज का दिन, और हज इसी को कहते हैं, बाकी सारे अरकान अदा कर लिए और अगर ये नहीं हुआ तो हज नहीं हुआ।
किसी का नाम हज है, अरफात के मैदान में चाहे एक लम्हा के लिए क्यों न सही है। जो लोग वहाँ वेंटिलेटर पे हैं और जो बीमार हैं उनको भी गाड़ी में बिठा के और हुकूमत वाले अरफात में आके दो चार मिनट गाड़ी रुकी फिर निकल गए। अब अगर बचा तो हाजी है और गया तो जन्नती है, लेकिन अरफात में जाना जरूरी है। और सहाबी ने पूछा था कि अरफात में सवाब क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया अरफात में जब सारे हाजी आकर के खड़े होते हैं, और यही वो मैदान है कि दुनिया भर से आए हुए सारे हाजी वहां मौजूद हैं। उस दिन मक्के पाक में कोई नहीं होता, मक्के पाक में ये हुकूमत वाले होते हैं सऊदीया वाले, वो गुस्ल देते हैं और फिर काबे मुबारक का खिलाफ तब्दील करते हैं नवी तारीख को। बाहर से आने वालों में से कोई भी मक्के में नहीं, सब अरफात। अगर 40 लाख भी है ना तो सब अरफात में, और वो चाहे जिस ग्रेड के हो सब अरफात में, इसी का नाम हज है। मेरे आका ने फरमाया जब सारे हाजी अरफात के मैदान में आए और जब हुकूफे अरफा का फरीजा अदा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान अव्वल पर नुजूल इजलाल फरमाता है, यानी खास रहमत की तजल्ली होती है, और उन हादियों पर अल्लाह ताला नजर करम फरमा करके और फिर फरिश्तों से पूछता है, रब फरमाता है फरिश्तों जरा नीचे तो देखो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे इस तरह सुना जाए, नहीं, तसव्वुर करें वो सारे बंदे अल्लाह की नजर करम में है, और फिर रब ने फरमाया फरिश्तों जरा नीचे देखो, तो आसमानी फरिश्ते नूरी मखलूक किसे देख रहे हैं, अंदाजा कीजिए। ये खाकी बंदा, गुनाहों में लथड़ा हुआ बंदा, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत का कर्म हुआ और जब उसे ये शहादत मिली तो अब ये अल्लाह की नजर करम में है और सारे फरिश्तों की नजर में है। फरिश्ते जब नजर फरमाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या देख रहे हो, फरिश्ते कहते हैं मौला तेरे बंदे हैं और पता नहीं कहां कहां से आए और पता नहीं कैसे कैसे आए। तो रब इरशाद फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, वहां हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला वहां इन बंदों पर फख्र फरमाता है, कमा यलीक बिशानी रब फख्र फरमाता है। और इसी की तफसीर में मुहद्दिसीन कराम ने लिखा है कि जब फरिश्ते अरफात में जो हुज्जाजे कराम खड़े हैं एक ही हालत है, सर सब के खुले हैं, दो चादरों में मलबूस हैं, शहनशाह भी उसी लिबास में है, फकीर भी उसी लिबास में है, तहज्जुद गुजार भी उसी लिबास में है, और मेरे जैसा गुनहगार भी उसी लिबास में है, सब एक ही लिबास में है। रब इरशाद फरमाता है, यह वहां लफ्ज युबाही का आया, रब फख्र फरमाता है फरिश्तों से, रब फरमाता है जब मैंने कहा था कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं तो फरिश्तों तुमने कहा था कि तू ऐसों को खलीफा बनाएगा कि जिसकी औलाद वहां पर कुछ तो खून करेगी, फसाद फैलाएगी, तुमने इन लोगों पे एतराज किया था, आज तुम जरा नीचे तो देखो कि वो क्या कर रहे हैं। अब जरा देखो ये किस हाल में और कहां कहां से मुझे राजी करने के लिए मेरे हुकुम पर मेरे हबीब के कदमों के निशान तलाश करते हुए वो कहां कहां से यहां पहुंचे हैं, और जहां जहां भी उन्हें निशान मिल रहा है उसी पे वो कुर्बान और सदके। फरिश्ते जब देखेंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि जरा बताओ ये आए क्यों है, और ये सब जो खड़े हैं क्या मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं। तो फरिश्ते कहेंगे मौला ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं और वो ये है कि गुनाह बख्श दे और तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। रब फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना इस मैदान में जो खड़े हैं मैंने सबको बख्श दिया, और फिर फरमाता है ये जिसके लिए दुआ करेंगे उसे भी बख्श दिया। अब आप अंदाजा फरमाइए, कोई हम में से तो कोई हक अदा कर ही नहीं सकता कि कितनी बड़ी फजीलत है ये हज की साथ, और कितना बड़ा सवाब है इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, और किसी में हिम्मत ही नहीं कि कोई उसको यानी हिसाब करके और अंदाजा बता दे कि इसको नहीं, बेहिसाब मामला है, कोई हिसाब नहीं। जब आप अंदाजा कीजिए एक नेकी एक लाख, अब ये अगर नेकियां कमाना चाहता है अगर हजारों बरस की भी उम्र हो तो भी आदमी यहां रह करके, और फिर कुछ काम ऐसे हैं जो वही होते हैं किसी और जगह नहीं होते,
इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया मौका मिले तो सबसे पहले ज्यादा काम वही किया करो, सवाब कहाँ होता है? दुनिया में कोई और जगह है नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, रोजा कहीं भी रख सकते हैं, कुरान कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तवाब वही होता है। इसलिए अल्लाह के बंदे रात दिन तवाब में लगे रहते हैं कि ये मौका हाथ से न जाए, और जब ये तवाब करते हैं तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला कितना राजी होता है। और तवाब जब करते हैं तो जाहिर बात है एक चीज जहन में रखें जो बड़ी मशहूर है और सबके जहन में, जिसको मैंने जान बूझ करके नहीं छेड़ा, और वो तब छेड़ते जब ये सवाल होता कि हज है क्या। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं पूछता कि हज है क्या, हज क्या है ये सवाल कोई नहीं करता। यहाँ तो बस उम्मीद है कि अल्लाह सबको शहादत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस पे अजर अता फरमाए, सवाब अता फरमाए, गुनाह माफ हो जाए। तो इससे बढ़ करके और कर्म क्या होगा कि जिसने इस तरह हज मबरूर अदा किया रजा, तो वो इस तरह लौटा कि गोया उसके सारे गुनाह माफ हो गए। यौमिन वलदत उम्मु, जैसे आज ही माँ ने उसे जन्म दिया। कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी फजीलत, सारे गुनाह मिट गए, सारे गुनाह मिट गए। लेकिन ये हज जो पढ़ा गया मक्के में, लेकिन मोहर लगेगी मदीना, क्योंकि खुद बैतुल्ला शरीफ का मीजाब जो है ना, मीजाब जिसका रुख मदीने की तरफ है, उस मीजाब से आवाज आ रही कि हाजियो आओ शान शाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके और अब काबे का भी काबा देखो, और काबे का काबा कौन है? मेरे और आपके आका ताजदार मदीना। और ये सफर ऐसा सफर है, इस सफर में कदम कदम पे अदब की जरूरत है, कदम कदम पे अदब की जरूरत है। और जब पहुंचे मेरे आका के दरबार में, जिसको कहते हैं मवाजहतुन नबी, नाम क्या है उसका? मेरे आका का मजार, और मजार की जालियां, जालियों के ऊपर आयतें, जालियों के अंदर निशाना, और उस पे लिखा है कि यहाँ हुजूर को सलाम करो, यहाँ अबू बकर सिद्दीक को, यहाँ हजरत उमर को, और वहां खड़ा किस तरह होना है? काबतुल्लाह की तरफ पीठ है और मुस्तफा की तरफ चेहरा है, काबतुल्लाह की तरफ पीठ है। अभी जैसे मैं इस वक्त बैठा, काबतुल्लाह की तरफ पीठ है, रुख किस तरफ है? मेरे आका की। और इसी को जब बंदा वहां जाके खड़ा हुआ तो इसी सामने जो नजर, उसी को कहते हैं मुवाजहतुन नबी। और ये मुवाजहत अरबी लुगतदान जो है ग्रामर से जो वाकिफ है उनसे पूछे, ये वजह से बना है, और वजह का माना है चेहरा, वजह का माना चेहरा है, और इसी को कहा मुवाजहतुन नबी। तो मुवाजहतुन नबी से मुराद ये है कि जब बंदा वहां जाके खड़ा हुआ तो रब ने करम फरमाया, जिंदगी में इसे ये शहादत मिली कि अब हयातुन नबी के रू बरू खड़ा है। कैसे खड़ा है? आमने सामने। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ नहीं देखते। देखने के लिए इश्क चाहिए, और देखने के लिए इतना ऊंचा मकाम चाहिए, क्योंकि देखने के लिए जो दो आंखें और हैं वो खुली चाहिए, और वो अगर बंद रहेंगी तो हाल तो वही है लेकिन ये उसको देख नहीं पाएगा। और वो हाल देखने के लिए हो कोई जामी जैसा, हो कोई रूमी जैसा, हो कोई आला हजरत जैसा, ऐसा दीवाना जब पहुंचा तो फिर वहां उसे पुकार के कहना पड़ा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। देखिए रूबरू खड़े हैं, रूबरू किसके? रूबरू अल्लाह अकबर। अब इससे बढ़ करके और हज क्या होगा? इससे बढ़ करके और क्या सआदत मंदी होगी? और जब बंदा वहां खड़ा हो तो बिल्कुल यही तसव्वुर जमा ले कि मैं हुजूर की बारगाह में, और इसी मौके के लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन जार कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने हज अदा करके और मेरी कब्र और मेरे रोजे की आकर के जियारत की तो फरमाया मेरी शफात उसके लिए वाजिब हो गई, मेरी शफात उसके लिए। इससे बढ़कर के ईमान वाले को और इनाम क्या चाहिए?
میرے آقا نے فرمایا ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ انما زار فی حیاتی، گویا کہ زندگی میں اس نے میری زیارت کی اتنا اجر ملے گا، اور جس نے اس طرح آ کر کے اور میری زیارت کی تو فرمایا وجبت لہو شفاعت، سے آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ شفاعت سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور کب جائیں گے؟ تو آپ کہیں گے دنیا سے وصال، وصال کے بعد پھر آخرت، پھر حساب کتاب، پھر پھر جائیں گے، پھر جائیں گے یا اس کے پہلے؟ شفاعت بھی بعد میں۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جہاں پہنچے تو گویا کہ زندگی میں بھی جنت میں پہنچے۔ یہ شان صرف اللہ کے حبیب کی مسجد کی ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر میرے گھر کے بیچ میں جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ یہاں کا نہیں جنت کا ہے، اور یہاں جنت کی کیاری سجی ہے۔ اب جنت کی کیاری میں جو جا کے نفل پڑے تو کھڑا کہاں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کی کیاری ہے، اور یہ خوش نصیب جا کر کے اس میں جب کھڑے ہوئے تو کہاں کھڑے ہیں؟ جنت میں ہیں یا نہیں؟ حساب کتاب کے بعد تو جنت میں جائیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا میرا بن کر کے آ تو تجھے جیتے جی جنت میں جیتے جی جنت میں کھڑے، جنت میں۔ اور جب جنت میں کھڑے ہیں تو اسے جنت ہی کہیں گے کہ کچھ اور کہیں گے؟ جنت ہی ہے نا، تو کہہ دیجیے حاجی جنت ہی۔ شک ہے کیا؟ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے؟ رکاوٹیں ہیں اور بہت بڑی ہیں، اس لیے کوئی ہمت نہیں کر پا رہا۔ بے شک حاجی جنتی، بھائی اتنی ساری فضیلتیں جب عرض کی، حدیث پاک کی روشنی میں سارے گناہ بخشے گئے اور اتنے اعلیٰ مقام ملے، رب کی نگاہ کرم ہوئی، فرشتوں نے دیکھا تو جنتی نہیں، تو کیوں نہیں کہتے کہ حاجی جنتی؟ کہنے میں رکاوٹ کیا؟ اور پھر یہ کہ میرے آقا نے بھلا کر کے مسجد نبوی میں جنت کی کیاری میں کھڑا کر دیا، جنتی ہے یا نہیں؟ تو میں ایک بات عرض کر دوں، اور اکثر کیا کرتا ہوں کہ حاجی ہے جنتی، لیکن کچھ حاجی ایسے ہیں کہ جنت میں لطف ہی نہیں آتا، دوڑ کے نکل آتے ہیں۔ اب جو خود دوڑ کے نکل آئے تو اب اسے جنتی تھوڑے کہیں گے، چھوڑ کے آ گیا، اور جو جنت چھوڑ کے آئے اسے کیا کہیں گے؟ میں نہیں کہوں گا۔ بڑی قابل غور بات ہے، نقطہ ہے، نقطہ۔ یعنی میرے آقا نے کرم فرما کر کے اور جنت میں جیتے جی پہنچا دیا ہوا جنتی، اور یہی جنتی اگر لوٹ کر کے آئے اور کام کرے دوزخیوں کا، نکلا یا نہیں؟ نکل آیا۔ اور جسے رب نے توفیق دی اس نے وہاں یا عہد و پیمان کر کے آیا کہ جب تک جان میں جان ہے کروں گا وہی جس سے اللہ راضی اور رسول راضی۔ آپ اندازہ فرمائیے، حاجی چاہے جو ہو، چاہے جس گریڈ کا ہو، کوئی بھی ہو، حج کر کے آیا، حج کر کے آنے کے بعد اس کے سارے کام اگر وہی ہیں جو جنتیوں کے ہیں تو وہ زندہ بھی ہے تو بھی جنت میں ہے، اور حج کر کے آیا اور پھر جنتیوں والے کام چھوڑ دیے اور کام وہ کر رہا ہے جو دوزخیوں کے ہیں، تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ واہ حاجی داد ہو تیری ہمت کو، جنت میں جا کے پھر نکل آیا۔ کرتے نکلنے سے میری مراد یہ ہے شریعت مطہرہ کی پابندی مکمل رہی تو پھر جنت میں، اور اگر شریعت کے احکام کی خلاف ورزی، دو ہی کام ہیں، کام یا تو وہ ہوں گے جو جنتیوں کے اور یا وہ ہوں گے جو، اب کیا یہ بھی بتانا پڑے کہ دوزخیوں کے کام کون سے ہیں؟ جو سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ کام جنتیوں کا، یہ کام تو حج کر کے آیا اور پھر ان کے کام کر رہا، تو یہی تو ہوا ان کی نکل آیا۔ اور اس لیے کہتا ہوں ہمت کو داد دینا چاہیے، واہ نکل آیا۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی یہ سعادت عطا فرمائے،
جو خوش نصیب وہاں ہو کے آئے اللہ اسے اتنی ہمت اور توفیق دے کہ پھر وہ سب کام وہی کرے جو خوش نصیب جنتیوں خوش نصیب. الحمدللہ ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسے لوگ تو ہیں, تب تو یہ دنیا قائم ہے. یہ تو زمین میں بات آ گئی تھی, میں نے عرض کر دی, ورنہ الحمدللہ جس کو یہ بڑی سعادت ملتی ہے تو اپنے آپ کو چینج بھی کرتے ہیں, تبدیلی بھی لاتے ہیں, بدلتے بھی ہیں. اللہ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اپنے اندر کچھ ایسی چیز نمایاں کرے جس سے پتا چلے کہ ہاں کچھ اثر ہوا ہے. اس لیے تو دعا بھی یہی مانگی جاتی ہے کہ رہیں ان کے جلوے, یہ دعا ہے. اگرچہ نعت کی شکل میں ہے, منقبت کی شکل میں, لیکن دعا یہی ہوتی ہے کہ رہے ان کے جلوے, بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. یعنی رہوں اپنے گھر میں, رہوں اپنے ملک میں, رہوں اپنے لوگوں کے بیچ میں, لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی اگر آنکھ میں کوئی جلوہ ہو تو مدینے کا ہو. اور میرا دل کیا بنے, کہا میرا دل مدینے کی یادگار بن جائے, اس میں ہر وقت مدینہ ہی مدینہ رہے, راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی, یعنی راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے مدینے, جینے میں یہ جینا ہے اور کیا بات ہے جینے کی. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, تیری رحمت برستی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں جانے والے, جب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو 70,000 فرشتوں کے بیچ میں کھڑے ہیں, کیونکہ 70,000 صبح 70,000 شام میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور یہاں جانے والے بھی وہی کھڑے ہیں. اور یہ جو آئے صبح والے شام تک, شام والے صبح تک, فرشتے کھڑے ہیں اور اس کے بیچ میں خوش نصیب بھی کھڑا ہے. بتائیے کتنا بڑا کرم کر دیا, کتنا بڑا اعزاز بخش دیا کہ یہ خاکی وہ نوری, لیکن دونوں برابر کھڑے ہیں, برابر کھڑے ہیں. اور کام یہ بھی وہی کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے, اور کام وہ بھی وہی کر رہے ہیں, دونوں کا کام ایک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. ہاتھ اٹھا کر کے مانگے اسالک شفاعت یا رسول اللہ, میرے مولا کچھ نہیں مانگتا, اگر آپ عطا کرنا چاہیں تو قیامت کے دن گناہگار کی شفاعت فرما دیں. یہی مانگتے ہیں اللہ والے, اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ان حجاج کرام پر سفر کو آسان فرمائے, اور انہیں حج مقبول اور مبرور کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.